भोजन में विक्षेप कर कर जल्दी बुलाना पड़ा, इसके लिए क्षमा अपना। मित्रों आज 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत शुभ दिन। आज आपकी माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 6 अप्रैल को जब ये हमारा स्थापना दिन हम मना रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की क्षण है, क्योंकि 38 साल की कम काल अवधि के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति का केंद्र बिंदु आज बनी। भारतीय जनता पार्टी कोई वंश परंपरागत चलने वाली पार्टी नहीं है, घरानेशाही वाली पार्टी नहीं है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली, संगठन और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी। वैसे देखे तो जनसंघ के आज तक की हमारी यात्रा बड़ी कठिन, संघर्षपूर्ण और बलिदानों से भरी यात्रा रही। आजादी के बाद सभी राजनीतिक दलों में अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। मैं आज वो सभी हुतात्माओं को, हमारे शहीद कार्यकर्ताओं को, श्यामा प्रसाद जी से लेकर अभी 2 दिन पहले बंगाल में जो हमारा कार्यकर्ता मारा गया, वो सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जनसंघ का काल हमारा संघर्ष का काल रहा। एक जमाना ऐसा आया था कि हमारे पास सिर्फ 2 सदस्य और वो स्थिति में भी हमारी पार्टी में कभी भगदड़ नहीं मची, पार्टी कभी टूटी नहीं, हम साथ में ही आगे बढ़े और आज इस मकाम पर पहुंचे। 2 सदस्य लोकसभा में जिस पार्टी के थे, आज 330 सांसद हैं। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। 1600 से ज्यादा एमएलए हैं, 20 राज्य सरकारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार है और 10 सदस्यों से शुरू हुई ये भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा। मैं मानता हूं कि हमारे जो सिद्धांत है, हमारी विचारधारा है, इसको जनता ने स्वीकारा। कई राज्यों में हमारी 20 साल से ज्यादा समय से सरकारें चल रही हैं, 20 साल 22 साल, और वहां पर हमने जो सुशासन का एग्जाम्पल सेट किया है, पारदर्शी सरकारों का एग्जाम्पल सेट किया है, इसके कारण चुनावी राजनीति में भी हमारी सफलता बढ़ी। मित्रों आज देश को तोड़ने वाली गतिविधियां, देश को तोड़ने वाले बयान, वर्ग वर्ग के बीच में टूटन हो इस प्रकार के प्रयास, उसके बीच में मोदी सरकार देश के गौरव को प्रस्तापित करने के लिए अहर्निश काम करी। नरेंद्र मोदी सरकार प्रामाणिक सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण है, पारदर्शी सरकार कैसी होती है उसका उदाहरण है, निर्णायक सरकार कैसी होती है उसका उदाहरण है, संवेदनशील सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण है, देशभक्त सरकार कैसी होती है उसका उदाहरण है, और देश का गौरव बढ़ाने वाली सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की आजादी के बाद की राजनीति की सरकारों के इतिहास को और दिशाओं को बदलने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी सरकार गरीब लक्षी सरकार रही, ग्रामीण विकास को समर्पित सरकार रही और किसानों के हितों को समर्पित सरकार रही। मैं सिर्फ दो फैसलों को ही बात करना चाहता हूं। ये दो फैसले, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला और देश के हर किसान को रबी और खरीफ दोनों फसलों को अपने खर्च से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला, ये दोनों फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिशा बताने वाले। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम तय किए। एक तो 11 अप्रैल को हम महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन को पूरे देश भर में मनाएंगे और देश को बांटने वाली, तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उसके सामने एक लोकतांत्रिक तरीके से सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को भी हम धूमधाम से मनाएंगे और बाबा साहेब की जयंती को मनाने के लिए हमने कई कार्यक्रम तय किए। 13 तारीख को बाबा साहब का स्मारक दिल्ली में समर्पित होगा। 14 अप्रैल से 5 मई तक हर सांसद, हर विधायक, हर जिला पंचायत का सदस्य, हर म्युनिसिपालिटी का काउंसिलर, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काउंसिलर 20,000 गांव में जाएंगे, वहां रात्रि निवास करेंगे और हमारी सरकार की सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, बीमा योजना और इंद्रधनुष योजना को वो 200,000 गांव में द्रुत गति से लोगों तक पहुंचाने के लिए उनके बीच में रहेंगे। 5 मई के तक के अभियान में हमारा प्रयास रहेगा कि पांचों योजनाएं ये 20,000 गांव को हर व्यक्ति तक पहुंचे, इस दिशा में हम काम करेंगे। मित्रों, हमने हर मंत्री को एक अलग क्षेत्र दिया है, हर केंद्रीय मंत्री को एक अलग क्षेत्र दिया है और इसके साथ साथ जिस प्रकार से विपक्ष ने संसद को न चलने देकर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद 12 अप्रैल को अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर एक दिन का धरना देकर उपवास करेंगे। ये लोकतंत्र को नीचे तक पहुंचाने का हमारा विनम्र प्रयास होगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा चली है, आज देश के 68% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 70% जनता पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं और करोड़ों कार्यकर्ता अपने संगठन का विस्तार बूथ बूथ तक कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव अभी जो है इससे भी बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने भी पारदर्शी सरकार कैसी होती है, किसान मित्र सरकार कैसी होती है, गांव की मित्र सरकार कैसी होती है, इसका एक उदाहरण सेट किया है। आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत जमा पूंजी है। मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी में भरोसा है, इसलिए 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन समर्थन को बढ़ाया है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ता कठोर परिश्रम के साथ युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार है और आत्मविश्वास से लवरेज है कि 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और मोदी जी फिर से एक बार देश को सही दिशा में ले जाने के लिए देश का नेतृत्व करेंगे। मुझे इतनी ही बात करनी थी। फिर एक बार आपके माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं
शुभकामनाएं भी देता हूं और 20,000 गांवों में जाकर गांववासियों के साथ रहकर गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको आह्वान करता हूं। और सारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता, विशेषकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जो बहुत बड़ा लाखों कार्यकर्ता का समागम हुआ है, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद सर। एक मिनट, नाम बोलेंगे। सांप और नेवला का उदाहरण इसलिए दिया था कि ये दोनों हमेशा विरोध में रहने वाले प्राणी हैं और वो आम तौर पर इकट्ठा नहीं आते, तो विचारधाराओं से परे हटकर सारे विपक्षी दल मोदी जी के वेव के कारण इकट्ठा हो रहे। फिर भी उनको बुरा लगाए तो मैं कह देता हूँ, सपा, बसपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सारे नाम तो बता देता हूँ, इसमें इतना बुरा मानने जैसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही था कि विचारधाराओं से भी जिनका कोई मेल मिलान नहीं है, इस प्रकार के सारे दल इकट्ठा हुए हैं, मगर किसी की भावना अगर आहत हुई है तो मैं नाम ही देता हूं, जैसे सपा और बसपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, चंद्राबाबू नायडू और कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार के लोग कभी इकट्ठा नहीं आते, मगर मोदी जी के डर के कारण इकट्ठा। आपने बोला चंद्रबाबू नायडू का नाम भी, तो वो 4-5 साल तक आपके साथ रहे, आपका अलायंस छोड़ा है, तो ऐसे में क्या वो मतलब उनकी तुलना कुत्ता बिल्ली या जो भी आपने? देखिए, आप शब्दों को मत पकड़िए, मैंने कहा मैं विचारधारा के रेफरेंस में बोला हूँ। मुझे लगता है आपका काम मेरी बात को ट्विस्ट करना नहीं है, मेरी बात को सही स्पिरिट में लोगों तक पहुँचा। आपने तो कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा दी है, मगर संसद के चालक को ऐसा नहीं लगता, उन्होंने कहा है कि ये भाषा कुछ अच्छी भाषा नहीं है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है राजनीतिक नारा है, तो संघ राजनीतिक दल नहीं। अभिजीत जी, साहिब जोशी फ्रॉम इंडिया के, आपने अभी कहा कि बीजेपी डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं खेलती है और कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है, अभी अभी सिद्धरामैया कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बयान दिया है कि जो लिंगायत मुद्दे पर किसी भी धर्म को बांटने का सवाल ही नहीं उठता, उन्होंने आप पर जाति हमला किया है, कहा है कि आप खुद जैन धर्म से हैं और आप अगर हिंदुत्व की बात कर सकते हैं, अगर आप हिंदुओं के बारे में बात कर सकते हैं, तो लिंगायत धर्म अलग क्यों नहीं हो सकता? मैं स्पष्टता कर दूं, मैं जैन नहीं हूं, मैं जन्म से 7 पुस्तों से हिंदू वैष्णव, मगर जैन भी हिंदू को बांटने की खिलाफ बात कर सकता है, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई भी धर्म को बांटने का प्रयास नहीं करना। अभी जी मनोज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पहले आपने शिवाजी को बनाया ना, बाद में अंबेडकर जी को, अभी महात्मा फुले को, ऐसे तो शिवसेना और एसीपी कांग्रेस के पास तो कोई बची नहीं है। नहीं, हम तो चाहते कि वो सभी इनके सिद्धांतों पर चले। अभी जी, हम नहीं किसी को छीन रहे, कोई किसी को छोड़ रहा। अध्यक्ष जी, भाई आप नाम बोलो ना, तू भाई। हाँ, हरिहर पांडे मोहान से। अभी जी, भारतीय जनता पार्टी के आरोप लग रहा है कि जितने अलायंस पार्टनर आपके हैं उनको या तो आप सम्मान नहीं देते और उनको हमेशा आप कमजोर करने का काम करते हैं। देखिये, 2014 में जितने अलायंस पार्टनर एनडीए में थे उससे बड़े हैं, कम नहीं हुए। अमित जी, अमित सुल्तान फ्रॉम इंडिया टुडे है। अमित सर, क्लियर, आज आपकी रैली में आपने कहा कि 2019 में सरकार वापस लानी, लेकिन 2014 के पहले जब यहाँ पर रैली हुई थी तब आपने आपकी पार्टी ने नारा किया था 70% भाजपा और 272+ का, लेकिन आज आपने कहा 2014 में आपने नारा लगाया था 272+ और 70% भाजपा का, लेकिन आज आपने स्पेसिफिकली कहा कि अगली सरकार एनडीए की सरकार होगी भाजपा के नेतृत्व के अंदर। 272 वाली सरकार भी एनडीए की ही है,
हमें 272 सीट मिलने के बाद भी हमने एनडीए के सारे साथियों को सरकार में स्थान दिया है, न केवल केंद्र सरकार में, उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत है फिर भी एनडीए के साथी हमारे हिस्सेदार है, त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत है फिर भी है, आसाम में पूर्ण बहुमत है फिर भी एनडीए के साथी हमारे साथी। थोड़ा माइक नीचे करिए। सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुंबई की जनता की माफी मांगकर ही कार्यक्रम की शुरुआत। सर, जी न्यूज से नित्यानंद शर्मा, मेरा ये सवाल है सर, 14 अप्रैल को आपके घर जो जनप्रतिनिधि है लोगों से जाकर मिलेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में आपने बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम है भीमराव गांधी अम्बेडकर जो है चेंज किया, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी योजना है सर आपकी? नहीं, वो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है, महाराष्ट्र सरकार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार का। कांग्रेस मुक्त भारत से हमारा मकसद कांग्रेस पार्टी से मुक्त भारत कभी नहीं था, कांग्रेस कल्चर से मुक्त भारत। और कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो भाजपा का कल्चर बदल नहीं सकता, उसको अपना कल्चर बदलना पड़ता है। अभी जी एक सवाल था जी न्यूज से, जी मीडिया से दिनेश खंडे, आपने कहा है कि 2019 में एनडीए और अधिक आशा से विजय संपादित करेगी, लेकिन इस विजय में महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगी, क्योंकि शिवसेना ने घोषणा की है कि खुद के ताकत पे वो अगला चुनाव लड़ने वाले हैं, इस घोषणा को कैसे देखते हैं? हमारी हार्दिक इच्छा है कि साथ में रहे। देखिए, हर चुनाव के वक्त गठबंधन बनते हैं, इस चुनाव में भी बन रहे हैं, मुझे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी जो है एनडीए के वो मिलकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सर, विकास विवाद को न्यूज नेशन से मैं खड़ा होता हूँ। नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अभी इनके कब्जे में है प्रैक्टिकली, इसलिए आपने कहा पाकिस्तान की सीमा में घुस गए। वो ठीक है भैया, सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, इतना सुधार कर लेते। चल अभी जी मैं वाना को माइक तो मेरा सवाल ये है, माइक तो मेरा सवाल ये है कि सोनिया गांधी ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि अच्छे दिन का जो कैंपेन है बीजेपी का वो शाइनिंग इंडिया की तरह ही आप पर भारी पड़ेगा, आप कैसे? उनके साथ ये कहने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, मगर मैं बताता हूं, जो 3.5 परिवारों में गैस का सिलेंडर पहुंचाए उसको जरूर लगता है अच्छे दिन आ गए, जिस 7 करोड़ परिवारों में शौचालय पहुंचाए उनको जरूर लगता है अच्छे दिन आए, जिन 18,000 गांव में बिजली पहुंची है उनको जरूर लगता है अच्छे दिन आए, जो 9 करोड़ युवाओं को मुद्रा बैंक की लोन मिली है उनको जरूर लगता है अच्छे दिन आए, करप्शन घोटाले बंद हुए उनको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आए, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, इसरो 104 उपग्रह छोड़ता है, 20 लाख से ज्यादा सेना के निवृत्त जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलती है, उनको जरूर लगता है अच्छे दिन आए, कांग्रेस को कभी नहीं लगेगा क्योंकि कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आए। हेलो सर, मेरा सीधा सवाल है कि उपचुनाव आने के बाद आपकी सहयोगी पार्टियां आपको एक चंद्रबाबू नायडू छोड़ के गए, शिवसेना बार बार धमकी दे रही है, उसके बाद
मुझे ये बात बताओ कि दो लोकसभा के उपचुनाव हमारे हैं, 11 स्टेट गवर्नमेंट जीते, उपचुनाव के 5 दिन पहले पूरा त्रिपुरा 3/4 मेजोरिटी से स्वीप कर गए, अब किस जीत को बड़ा मानते हो? और इसमें कांग्रेस को खुश होने जैसा नहीं है, दोनों में कांग्रेस की जमानत चली गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है। हेलो, हाँ, एक आपका नारा है, बीजेपी का नारा है, एक यूथ 25, एक बूथ 25 में। अब आप मुझे बताइए कि 2014 से लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, आज परिस्थिति यह है कि सरकारी कार्यालयों में महाराष्ट्र में या यूपी में या पूरे भारत में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नहीं है, इसके कारण वो कह रहे हैं कि हम काम के बोझ से परेशान हैं। तो आप ये मुझे बताइए, ये जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का काम था, कांग्रेस के काल में भी वही सही था, आपके काल में भी वही है, तो अंतर क्या है? और 2019 में आपको बीजेपी को लोग वोट क्यों देंगे? मैं सिर्फ एक ही योजना बताना चाहता हूँ, रोजगारी के लिए। सिर्फ मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से लगभग देश के 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन देकर स्वरोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सिर्फ एक ही योजना, इतने ब्रिज बनना फास्ट शुरू हो गए, रेलवे लगना शुरू हो गई, रोड बनना शुरू हो गए, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है, विकास दर 7% से ऊपर पहुंच गया, आप क्या मानते हो रोजगारी का सृजन ही नहीं हुआ? आप कम से कम राहुल जी की बातों का एनालिसिस करिए भैया, उनके ट्विटर को इतना फॉलो मत करिए। अभी जी, अभी जी, संजय साहू फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे। हम 2 साल पहले आप राहुल गांधी जी को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन आज के स्पीच में आपने बार बार राहुल बाबा, तो क्या एक ऑपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी का प्रोग्रेस बढ़ रहा है क्या? आपने 2 साल पहले के भाषण सुने, उस वक्त वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे। अब कांग्रेस अध्यक्ष है तो मैं उनको एड्रेस करता हूँ, और मैं नहीं मानता कि अध्यक्ष बनने से सुनील सिंह एनडीटीवी से 2014 का चुनाव लड़ा गया था विकास पे, सभी जातियां सभी ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब 4 साल गुजरने के बाद हम देख रहे हैं कि दलित बहुत ही नाराज है, यहाँ तक कि आपके पार्टी के भी सांसद विधायक वो नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, कहीं कहीं एक घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पार्टी में तो कोई नाराजगी नहीं है, मगर एक माहौल बनाया जा रहा है, इसीलिए हम 20,000 गांव में जाएंगे और हम घर घर जाकर हमने जो कहा है वो किया है वो बताने का, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दलित की भावनाओं को भड़काने के लिए झूठे बयान दिए, जैसे कल कह दिया कि SC ST एक्ट को नाबूद कर दिया, खारिज कर दिया, स्क्रैप कर दिया, किसने किया है, कहां किया है? इस प्रकार की भ्रांति फैलाकर अगर राजनीति करनी है तो किसी भी समुदाय को उकसाना बड़ा सरल है। हमने बार बार स्पष्ट किया, मोदी जी ने स्पष्ट किया है, मैंने स्पष्ट किया है कि इस देश में से रिजर्वेशन ना हम हटने देंगे ना हटाने देंगे, इसको हमने बार बार स्पष्ट किया। मगर भ्रांति खड़ी करना राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतने नीचे स्तर पर नहीं जाता। एक मिनट, ये नाम बोले सागर कुंडली, बीजेपी लोकपाल। दो सवाल है, एक तो पेट्रोल, आप कह रहे हैं कि सब आपने कंट्रोल में किया, लेकिन पेट्रोल सबसे हॉट इशू है पूरे इंडिया में, मुंबई में तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, इस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल, सिंचाई मुद्दे के मामले में बार बार आप कई नेताओं ने अपने राज्य में भाषण किए, तो पिछले 4 साल से कुछ भी नहीं हुआ, नागपुर खंडपीठ है उसने कहा गया, अभी बता रहे जा रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन का माहौल है, चुनाव आगे आने वाले हैं, इस वजह से कई नेता आपकी भाषा अब बदल रहे हैं क्या? क्या भाषा बदल रहे हैं? हेलो, जेल में किसी को डालने की बात कर रहे हैं, आज ही आगे के चंद्रकांत पाटिल आपके नेता बात कर रहे हैं, वो शुरू से बोल रहे हैं, मगर कोई प्रक्रिया करने के बगैर, प्रक्रिया करे बगैर जेल में डालने की हमने कभी बात नहीं। धन्यवाद।
अभी देवेंद्र फडणवीस सरकार को एक साल बाकी है भैया, डेढ़ साल बाकी है, कितना बाकी है देवेंद्र? नहीं, इसकी इसकी जांच चल रही है और अभी डेढ़ साल बाकी है चुनाव आने में ना। और एक मिनट, देवेंद्र जी ने अभी बताया 17 एफआईआर रजिस्टर्ड की है और इन्वेस्टिगेशन 17 की 17 एफआईआर होता है भाई। पेट्रोल पेट्रोल अभी भी यूपीए से सस्ता है और आप इतनी चिंता मत करिए, इतनी चिंता मत करिए, इसका सही मायने में इसको कंट्रोल करने का सरकार प्रयास भी कर रही है, जीएसटी के अंदर लाने के लिए हम सिंसियर प्रयास कर रहे हैं। एक बार स्टेट के टैक्स और सेंट्रल के टैक्स एक साथ मर्ज होते हैं तो अपने आप पेट्रोल सस्ता होगा और जीएसटी काउंसिल में सारे राज्यों पर इस पर सहमति बनाने का हमारा प्रयास है। अभी जी प्रफुल्ल बात कर रहा हूँ, न्यूज इन लोकपत से। क्या लोकसभा के इलेक्शन राम मंदिर के मुद्दे को सेटलाइज करके किए जाएंगे? जब से विवादित ढांचा गिरा, हमारे हर चुनाव घोषणा पत्र के अंदर राम मंदिर का मुद्दा है। हमने कभी भी राम मंदिर की बात नहीं करी है, विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है और अगर विपक्ष मुद्दा बनाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अभी अभी जी सरकारनामा, किसानों का इनकम दुगना करने के लिए 2000 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था, जरा धीरे बोलो धीरे यार, किसानों का इनकम दुगना करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन का हम स्वीकार करेंगे ऐसा मोदी जी ने कहा। अब मोदी सरकार को आके 4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक स्वामीनाथन कमीशन के बारे में हो गया भैया कहाँ रह रहे हो, बजट स्पीच पढ़ लो इस बार का, स्वामीनाथन समिति का स्वीकार ही नहीं किया। अरे डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने का ये स्वामीनाथन कमेटी का ही रिपोर्ट है ना क्या? मैंने पूरा अध्ययन किया है, साथियों को जरा पूछ लो आसपास, थोड़ा पढ़ लो यार। मैं उनके सवाल का जरा ऐड कर रहा हूं, मैं आपको आशा दे रहा हूं कि बोला गया था 2014 में आपको 4 साल लगे, डेढ़ गुना भाई साहब ने अभी एश्योर किया है कि हुआ भी नहीं। नहीं 4 साल क्यों लगे? देखिए 4 साल इसलिए लग गए, कांग्रेस इतना गड्ढा डाल कर गई थी, उसको भरने में भी काफी समय गया, मगर 60 साल तक कांग्रेस ने नहीं किया। 60 साल तक डेढ़ गुना समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नहीं दे पाया, हमने 4 साल के अंदर दिया और एक भी विपक्षी पार्टी ने इसका स्वागत नहीं किया। राजनीति के स्तर को इतने नीचे नहीं गिराना चाहिए और इसी के लिए वो पार्लियामेंट चलने नहीं देते क्योंकि इसका विरोध नहीं कर सकते। अमित जी सवाल ऐसा है कि आप अपने सरकार के सभी लोगों से अमित जी सभी ने ये बार बार कहा है कि 22 राज्यों में अपनी सरकार है, 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बंगाल में, केरल में और अन्य कई जगहों पे जो पॉलिटिकल हत्याएं हो रही है वो थमने का नाम नहीं रुक रही है। तो ऐसा कुछ पॉलिटिकल कैंपेन इस पॉलिटिकल हत्याओं के खिलाफ करना चाहिए, ऐसा नहीं कर ही रहे भाजपा के कार्यकर्ता कर ही रहे हैं। केरल में हमने बहुत लंबी पैदल यात्रा निकाली थी, 20 दिन तक हमारे कार्यकर्ता चले थे, बंगाल में भी डट कर विरोध कर रहे थे। अमित शाह जी, मैं दिनेश मौर्य रिपब्लिक की थी यहाँ पे सर, पीएम साहब ने कहा था कि सबसे ज्यादा सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को आपकी सरकार ने दिया, लेकिन आज ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसकी 4 तस्वीरें पोस्ट की है, इसमें बाबा साहब की मूर्तियों के टूटे हुए सर है, उस पर आप क्या कहें? इसमें से एक भी मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं तोड़ी है, एक भी घटना ऐसी नहीं है जिसको पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, एक बात। अब मैं बता देता हूँ बाबा साहब का सम्मान किसने किया। बाबा साहब को कांग्रेस में पार्लियामेंट में जाने से रोकने का काम कांग्रेस ने किया, बाबा साहब को भारत रत्न न देने का काम कांग्रेस ने किया, सेंट्रल पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के उसमें बाबा साहब की तस्वीर न लगे वो काम कांग्रेस ने किया, भाजपा ने अगर लगाई, इंदू मिलनी की जमीन भाजपा ने दी, नागपुर का दीक्षा भूमि को भाजपा ने बनाया, मऊ के जन्मस्थान को भाजपा ने बनाया, दिल्ली में स्मारक हमने बनाया, लंदन में स्मारक हमने बनाया, उनका सिक्का हमने निकाला, उनके स्मरण में संसद का विशेष सत्र हमने बुलाया, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा बाबा साहब का गौरव। अमित जोशी जी टोडी साहब पूछा थे सर आपके रैकेट से, यहाँ के जो आपके साथी राज्यों में शिवसेना हर 2-4 दिन के बाद सीएम को या पार्टी के लोगों को परेशान करते, फिर भी आप एनडीए की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब तक वो हमारी सरकार में सर,
वो मैं समझ गया, मगर अब अभी तक ये हमारी दोनों सरकार में नहीं, काफी सारी योजनाएं हमारी पहुंची भी है। प्रधानमंत्री कृषि फसल योजना पहुंची है, यहाँ पर जल संचय का अभियान जो महाराष्ट्र सरकार ने किया वो भी पहुंचा है, और इसी के कारण महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के दर में बहुत गिरावट आई। मगर डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की जो बात है, उसके बाद काफी सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसी हमें आशा है। उसके बाद भी एक सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रो किसान और किसान फ्रेंडली रहने वाले। एक नाम बोलेंगे वही बोलेंगे। कहाँ पर स्थापना दिवस में जैसे लागे खड़वारी थी, इस तरह से तो सर मतलब मान लिया जाए कि युवा चेहरों को ही बीजेपी, ऐसा नहीं है। आज काफी सारे कार्यकर्ता हमारे संगठन मंत्री अडवाणी जी के घर पर गए हैं, जोशी जी के घर पर गए, मगर आप लोग नहीं जाते। आज बड़े सवेरे पहुंचे हमारे कार्यकर्ता, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बधाई दे रहे। अमित जी, आपने जो एनालॉजी दी थी कि नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के बाढ़ है इसलिए सारे इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको ये पता है कि बाढ़ जो है वो कहीं ना कहीं कम जाती है, मतलब रुकती है? हाँ, हो सकता है 19 हो सकता है 19 के चुनाव के बाद थोड़ा धीरे पड़े। सवाल है कि लिंगायत के बारे में आपने जो अभी कहा कि धर्म को बांटने की हम बात नहीं करते, लेकिन दो दिन पहले ही आपने धर्मगुरु से मिल के इस डिमांड के बारे में चर्चा की थी। नहीं नहीं, लिंगायत की अगर डिमांड है, लिंगायत को एक अलग मजहब की तरह मान्यता मिले, तो आपकी क्या राय है? कर्नाटक के लिए बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो लिंगायत और वीर शैव संप्रदाय के लिए रिजोल्यूशन किया है, ये चुनावी नाटक है। 2013 में कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने ये रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया था, और अगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इतनी सीरियस थी तो 4.5 साल के बाद चुनाव के वक्त, 5 साल के बाद चुनाव के वक्त एंड मौके पर लाने का क्या मतलब था? तो ये एक चुनावी नाटक है, येदुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनते हुए रोकने का नाटक। अभी की एक सवाल ऐसा है, एक सवाल है और एक माइक से लास्ट टू क्वेश्चन थी, आप बोलिए। ऊपर माइक ऊपर करो, सवाल ये है कि कुछ ही दिन पहले फेक न्यूज का एक निर्णय लिया था केंद्र सरकार ने, और वो पीछे भी लिया गया। एक डेफिनेशन उसके लिए अगर तय किया जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, सारी दुनिया उसका स्वागत भी करेगी। तो क्यों लिया गया, वो क्यों पीछे लिया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम जानना चाहेंगे कि मैं बता देता हूँ, इस पर पूर्ण विचार करने के बाद निर्णय लेने के लिए पीछे लिया गया है। पीछे ले लिया, अब क्या चर्चा का सवाल? सर, मैं रविशंकर शर्मा, सर विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाता है कि दलित परेशान है, दुष्कर्मों को डराया जा रहा है, बेरोजगार सबके में किसान 200 किलोमीटर चलकर आते हैं, सर अगर ये लोग परेशान नहीं तो ये लोग कौन है और किसकी वजह से सड़कों पर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या स्थिति, क्या सच है ये? देखिए, विपक्ष की इतनी तो स्ट्रेंथ है जो सड़कों पर दिखाई पड़ी। विपक्ष का क्या लग रहा है आपको? नहीं, विपक्ष की इतनी स्ट्रेंथ है कि जो सड़कों पर दिखाई पड़े। तो सर, इस सबके लोग परेशान हैं, क्या वजह है लोग परेशान? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। चलिए, अंतिम सवाल आप पूछ लीजिए, उसके बाद में आप पूछ लीजिए। चलिए, एक मिनट। यार सवाल पूछो, तुम इतना लंबा मत करो, बाद में आपकी राज्य में भी आपने सरकार में और सेंट्रल में भी बात की, उसके बॉर्डर पे जो तनाव है वो बना हुआ है, जवान शहीद हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और एक अभी खबर आ रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है वो 40 सेकंड में हैक हुई है, क्या 40 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट हैक हुई है? मुझे मालूम नहीं है हुई है नहीं हुई, इस पर मैं रिएक्शन नहीं दे सकता।
मगर हैकर्स ने कुछ किया है तो सुरक्षा और घनी करनी पड़ेगी, और क्या कर सकते हो। पहले सवाल में इतना ही है कि दो दिन पहले भी 12 आतंकवादी मारे गए, और आजादी के बाद जब से कश्मीर समस्या शुरू हुई है लगभग 90 के दशक से सबसे ज्यादा हथियारी आतंकवादी मारे गए हैं, तो ये 4 साल में मारे गए एवरेज। कठोरता से हमने इनके पर कदम उठाए। एक सेकंड, ये अंतिम सवाल है उनको, अरे भाई रहे ना तो उनको दे दो, खड़े हैं उनको, सुनाई नहीं देता, तुमने पूछ लिया तो छोड़ दो, पूजा बहन पूछ लो आप। दो सवाल है, एक तो महाराष्ट्र, एक ही पूछिए आप बस। ओके सर, महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शन साथ में होगी ना जी? सर वन मोर क्वेश्चन, चलिए आप सभी का धन्यवाद, आ जाओ राव साहब। सर बहुत धन्यवाद, चलिए।